हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो दोस्तों यार, तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में इंटरव्यू भी होगा। तो अभी जो है देखो, इंडिया का टाइम हो रहा है 4:24, यहाँ पर दिख रहे होंगे, अभी मैंने सर्च किया है तो 4:24 हो रहे हैं। और जो टाइम सर्बिया का हो रहा है वो 12:54 हो रहे हैं, और मेरा जो इंटरव्यू होगा वो 1 बजे होगा। तो मात्र 6 मिनट बाकी हैं। तो चलिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो आ गया, ये मोहम्मद मुसम्मिल यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, और एक है श्री राम शर्मा, मोहित यादव, जयेश कलान, ऋतिक कुमार। तो इसमें अभी काफ़ी सारे लोग ऐड हो चुके हैं। तो ये इंटरव्यू जो होगा वो जूम ऐप पर होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। काफ़ी सारे लोग इसमें ऐड भी हो चुके हैं। एंड अभी के टाइम की बात की जाए तो 4:49 हो चुके हैं। मेरे फ़ोन का कैमरा ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से मैंने अपने मोबाइल में भी ये लिंक से ज्वाइन कर लिया था जूम ऐप में। एंड देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने कैमरा ऑन भी किया हुआ है। 5:04 हो चुके हैं। तो दोस्तों यार, सबसे पहले जो है वो मुझे पता चला कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका लिंक जो है वो हमें मेल कर दिया गया था। तो चलिए यार, पहले इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नीट का रिज़ल्ट आया था उसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पास जो है वो 2 ऑप्शन है, या तो मैं ड्रॉप लूँगा या फिर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा या फिर अब्रॉड में। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेने का। तो ये कॉलेज जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। तो पहला जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी आई थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो अभी जो है वो मैं केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके के केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो सबसे पहले उसमें दे रखा था कि आपको जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, कॉपी पे लिख लेना है, पहला ए दूसरे का बी। तो फाइनल यार केमिस्ट्री का जो है वो मैंने अटेंड कर दिया है, और अभी बायोलॉजी का करूँगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें जो है ना आंसर की अलग दे रखी थी और क्वेश्चन जो अलग दे रखे थे। तो उसमें क्या है, मैंने जो है ना सारा मतलब 20-20 क्वेश्चन आए थे, 20 केमिस्ट्री से आए थे, 20 बायोलॉजी से आए थे। तो मतलब 1, 2, 3 डाल के पहले नोटबुक में लिख लिया कि पहले का इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। उसमें फिर जो ना इनके दोनों फॉर्मेट दे रखी थी आंसर की केमिस्ट्री वाले की अलग और बायोलॉजी वाले की अलग, उसमें आपको फिल करना था, उसमें देख के जो आपने नोट डाउन किया कि इतने का ये है उसमें बाद में फिल करना है। इसका रिजल्ट जो है मुझे इसमें हाथों हाथ मिल जाएगा, एंड देन उसके बाद जो है इसमें इंटरव्यू होगा। दोस्त यार, ये जो मैंने MBBS के लिए अब्रॉड में एडमिशन लिया है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये मैंने सही डिसीजन लिया है या फिर आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको पता होगा मैंने जो 12th है वो 2018 में किया था। तो फाइनली यार, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोनों पेपर जो है वो मैंने सबमिट कर दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने केमिस्ट्री के दोनों आंसर की जो दे रखी थी तो इसमें सबमिट कर दिया, और ये बायोलॉजी की कर दी है। एंड अगेन मैं ये वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद जूम ऐप पर फिर से वहाँ पर कनेक्ट हो जाऊँगा। तो चलिए यार, क्लिक करते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है वो मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, एंड काफ़ी सारे लोग इसमें आ चुके हैं लेकिन अभी तक जो है वो सर नहीं आए हैं। तो चलिए यार, थोड़ा सा वेट कर। तो फाइनली दोस्तों यार, इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए यार, बढ़िया तरीके से हो जाते हैं इसके लिए रेडी। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया, लैपटॉप का जो है मेरा कैमरा ठीक से नहीं चल रहा था, तो इस वजह से मैंने अपने फ़ोन में भी जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। तो अब जो है इसमें सर सबको एक एक करके कनेक्ट करेंगे, एंड उनका इंटरव्यू करेंगे, जो उनको पूछना होगा पूछेंगे, और जिसका इंटरव्यू पास हो जाता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, और जिनका नहीं होता है फिर तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यार मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि यार इससे पहले जो है वो मेरा कहीं इंटरव्यू नहीं हुआ। तो बट मेरा जो यार इसमें नंबर लगभग 10 या 12 बंदों के बाद आया था, तो मैंने 10-12 बंदों का इंटरव्यू देखा, तब जाकर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि यार, मतलब उसमें कुछ लोग इंडियंस भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू किया इन इंग्लिश में। ये इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे और हेजिटेशन हो रहा था। बट मैंने बंदों का देखा यार, तो उन्होंने बढ़िया तरीके से किया, जो भी पूछ रहे थे उन्होंने बढ़िया तरीके से उसका आंसर किया। तो यार उनको देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो चलिए यार, आपको 1-2 लोगों का इंटरव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके का इंटरव्यू हुआ था। I'm choosing the graduates because I like city, and I think if I study in English,
that gives me much bigger opportunity to have a better job, or I can, if I want to, I can work somewhere else. And can you tell me, please, if you ask me about the medicine, why I choose medicine? Is your background high school? What you... Okay. Sorry, I didn't hear you well. I studied at high school boys called Petrobratsa, Vršac, and it was the infrastructure and the clinical exposure and everything. So I the best option for me to explore things and medicine. तो चलिए यार अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में मुझसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो यार आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को, वो बोल देते हैं कि यार इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफली, एंड वो सब सारा इंग्लिश में ही बताना होता है आपको। तो वो सब तो मैंने मतलब इंट्रोड्यूस किस तरीके से करना है वो तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था अच्छे से। एंड फिर नेक्स्ट मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, यही पूछ लेते हैं कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, या फिर ये पूछ लेंगे आप जो डॉक्टर बनोगे आगे चल के क्या बनोगे, मतलब कौन सी कैटेगरी में जाओगे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी से कुछ पूछ लेते हैं, किसी से कुछ पूछ लेते हैं। तो मुझसे जो है पहले इंट्रोड्यूस किया मैंने खुद को, और मुझसे पूछा आपने ये वाला कॉलेज ही क्यों सेलेक्ट किया, ये वाली कंट्री सेलेक्ट क्यों की, और आगे चल के मतलब क्या बनोगे डॉक्टर के उसमें। तो ये दो चार क्वेश्चन हुए थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, तो लगभग तीन या चार क्वेश्चन पूछ रहे थे सबसे। तो यार फाइनली दोस्तों यार अपना एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू जो है वो दोनों पास हो चुके हैं, एंड इससे आगे की जर्नी क्या रहेगी वो आपको व्लॉग के थ्रू देखने के लिए मिलती रहेगी। तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, एंड अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।